जॉगिंग एंड रनिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो हम में से काफी सारे लोग ऑन अ डेली बेसिस परफॉर्म करते हैं, विच बेसिकली इम्प्रूव्स आवर स्टैमिना एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एंड आज का जो शू है वो इसी पर्पज पे लाया करता है, जो कि स्पार्क्स कंपनी का है। मॉडल नेम है SM678। तो चलिए ब्रीफली बात कर लेते हैं शू के बारे में एंड साथ ही जानेंगे वो सारे टेस्टिंग जो कि हमने शू में परफॉर्म करें। पर सबसे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कंटेंट इन फ्यूचर लाता रहूं। बेल आइकन दबा लेना ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस आउट ना कर जाए। एंड चलिए एक नज़र डाल लेते हैं शू के बॉक्स की ओर। तो यहाँ पे आपको फ्रंट में एक स्पार्क्स का लोगो देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर मैं लेफ्ट के बॉक्स को टर्न करता हूँ तो इस तरफ आपको एक टैग दिया गया जिसके ऊपर मॉडल नेम, साइज एंड प्राइसिंग दी गई है, जो कि थोड़ा बहुत डिफर करती है। इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के एंड में एंड चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हैं स्पार्क 678 एंड इनका एक क्विक लुक मैं आप लोगों को दे देता हूँ। ऑल्सो यहाँ पे दो तीन टैग भी अटैच कर रखे शू के साथ, जिसके अंदर सेम काइंड ऑफ डिटेल प्रोवाइड कर रखी है। अंदर की ओर मुझे एक कैरी बैग भी देखने को मिल जाता है। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं शू के बिल्ट इन डिज़ाइन के बारे में। कलर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ब्लू एंड सी ग्रीन कलर का एक बढ़िया सा कलर मिक्सअप मिलेगा एंड लोगों से वगैरह में यहाँ पे ऑरेंज कलर मेनली यूज़ कर रखा है। अब बात कर लेते हैं शू के स्पेसिफिक आउटर डिज़ाइन की। तो यहाँ पे डिज़ाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं राइट साइड पर आपको मेनली मेश मटेरियल देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर कुछ स्टिच पैटर्न फॉलो कर रखे हैं। लेफ्ट साइड में थोड़ा बहुत सिंथेटिक वर्क कर रखा है एंड एग्जैक्ट सेंटर में यहाँ पे एक स्पार्क्स का लोगो भी प्रोवाइड कर रखा है, जो कि लुकवाइज काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है। यहाँ पे आपको ब्रीदिंग को लेकर कोई भी इश्यूज एंड प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर मैश मटेरियल प्रोवाइड कर रखा है, जिसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है एंड इवन एयर भी इजीली पास हो जाएगी होल्स के थ्रू। वहीं अगर मैं शूज़ को टर्न करता हूँ तो इस तरफ भी सेम बेल्ट एंड डिज़ाइन फाइंड आउट कर पा रहा हूँ। बात कर लेते हैं शू के स्पेसिफिक बैक की। तो बैक को यहाँ पे काफ़ी सिंपल एंड प्लेन बनाया गया, बिल्ड वाइज यहाँ पर भी सेम सिंथेटिक का यूज़ करा गया। एडिशनली बस यहाँ पर एक पैच अटैच कर रखा है, जिसके ऊपर कुशन टेक्नोलॉजी लिखा गया। इसके बारे में हम बात करेंगे वॉकिंग एंड रनिंग टेस्ट में। एकदम सेंटर में एक फैब्रिक की स्ट्रैप भी यूज़ करी गई है। अब बात कर लेते हैं शू के बैक सोल के बारे में। तो जैसा कि आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट बनाई गई है। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे लाइनिंग पैटर्न देखने को मिलेंगे अप टू डाउन वेरिएशन में। सेकेंडली यहाँ पे राइट साइड में पूरे ब्लॉक पैटर्न फॉलो करे गए। ये डिज़ाइन मेनली आपकी ग्रिपिंग को टारगेट करेगा, जब भी आप कोई हैवी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो मटेरियल भी काफ़ी टॉप क्लास यूज़ कर रखा है, जो कि ईवा सोल है एंड थोड़ा बहुत वर्क यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक का भी एड ऑन कर रखा है। एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पे बैक सोल भी टैप करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं कहीं पर भी टैप करूँ सोल एरिया में तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। इवन फ्रंट एंड बैक दोनों को ही अगर मैं टैप करूँ तो वो एग्जैक्टली हार्ड लग रहे हैं। मैं एक बार आप लोगों को फिर भी कंपेयर करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट वही अगर मैं बात करता हूँ शू के साइड सोल के बारे में, तो यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ करा गया है वो कम्प्लीटली अपोजिट है बैक सोल की तरह। यहाँ पर आपको मेनली रबर का यूज़ देखने को मिलेगा एंड प्रेस करने पर ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी है। सेकेंडली यहाँ पे जो कर्व डिज़ाइन दे रखी है वो रनिंग के टाइम काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। जब भी आप रन करेंगे उस टाइम पर आपको एक्सटर्नल प्रेशर कम से कम फील होगा एंड परफॉर्मेंस भी एकदम अच्छा मिलेगा। सोल हाइट यहाँ पे 1.8 इंच दे रखी है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लेते हैं शू के लेसेस की, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सिंपल एंड प्लेन लेसेस देखने को मिल जाएंगे, जिसके ऊपर कुछ डॉटेड पैटर्न फॉलो कर रखे हैं एंड लुक वाइज ये भी काफी ज्यादा यूनिक दिखते हैं। पीछे की ओर मुझे एक और स्पार्क्स का लोगो देखने को मिल जाता है। तो गाइस अगर हम बात करें शू के इनर सोल के बारे में, तो यहां पर आपको स्पार्क्स का ओरिजिनल इनर सोल मिलेगा, जिसको मैं एक बार आप लोगों को निकाल के दिखा देता हूं। तो यहाँ पर हमें मेमोरी फॉर्म प्रोवाइड कर रखा है, जो कि सिंगल लेयर्ड है एंड कंप्लीट फॉर्म होने के कारण आपको यहाँ पे कंफर्ट भी अच्छा खासा मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फॉर्मिंग आइट साइड भी कर रखी है, जिसके कारण कंफर्ट थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा जब भी आप वॉक या फिर रन करेंगे। अंदर की ओर सर्फेस प्लेन करने के लिए आपको एक फैब्रिक की लेयर भी स्टिच कर रखी है, जिसको मैं एक बार आप लोगों को टैप करके दिखा देता हूँ। एंड आपको यहाँ पे कुछ इस तरफ डिफरेंट कंट्री के साइजेस भी मिल जाएंगे, जो कि परचेस के टाइम सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। वेट की बात की जाए तो यहाँ पर एक शू का वेट आया 275 ग्राम्स एंड कंपनी शू का वेट अराउंड 200 ग्राम्स क्लेम करती है, जो कि एक्चुअल से काफ़ी ज़्यादा डिफर करता है। पर फिर भी जिस तरह का हैवी मटेरियल इस शू में यूज़ करा गया उसके मुकाबले ये शू बहुत ज़्यादा लाइट वेट है एंड आपको इस शू को लेकर सबसे अच्छा एडवांटेज रनिंग में रहेगा, क्योंकि लाइट वेट होने के कारण परफॉर्मेंस एकदम से इंक्रीज हो जाता है। तो गाइस चलिए अब हम आ जाते हैं शू के फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट की ओर। तो एक बार मैं आप लोगों को इस शू को फ्लेक्स करके दिखा देता हूँ सभी एंगल से।
तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जब भी मैं शू को टर्न या फिर फ्लेक्स करता हूँ, उस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा शू स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलते हैं शू के साइड सोल में। दोनों ही तरफ मैं एक्जैक्टली सेम स्ट्रेच मार्क्स फाइंड आउट कर पा रहा हूँ। एंड अगर आप इस शू में थोड़ी हैवी एक्टिविटी करते हैं तो उस टाइम पे स्ट्रेच मार्क्स बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आउटर की बात की जाए तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा शू स्ट्रेच मार्क्स बन रहे हैं, बट ये टेम्परेरी रहेंगे फैब्रिक एंड मैश होने के कारण। तो गाइस, इसीलिए अब हम बात कर लेते हैं शू के वॉकिंग एंड रनिंग टेस्ट की। और वॉकिंग की बात की जाए तो यहाँ पे मुझे कोई भी इश्यूज एंड प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़े। इस शू में सबसे ज़्यादा अच्छा वर्क इसके कंफर्ट को लेकर करा गया। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉर्मिंग करी गई है अंदर की ओर, जो कि वॉकिंग के टाइम प्रेस होता है ना, आपको सभी जगह से काफ़ी अच्छा कम्फर्ट फील कराता है। नेक्स्ट वही अगर मैं रनिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है। फर्स्टली, यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर कम से कम लगता है जब भी आप रन करते हैं। एंड सेकेंडली, यहाँ ग्रिपिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड कर रखी है, जिसके कारण जब आप रन करते हैं उस टाइम पे आपको एक बूस्टअप मिल जाता है एंड परफॉर्मेंस अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वही अगर मैं बात करता हूँ फिटिंग की, तो ये शू एग्जैक्टली फिट था मेरे साइज से, मुझे यहाँ पे फिटिंग को लेकर कोई भी इश्यूज एंड प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़े। जंप टेस्ट की बात की जाए तो एक बार मैं आप लोगों को इस शू में जंप करके दिखा देता हूँ। तो जंप के दौरान यहाँ पे थोड़े बहुत स्ट्रेच मार्क्स बन रहे थे साइड सोल में, जो कि इन फ्यूचर बढ़ सकते हैं, बट सबसे अच्छी बात ये है कि आपको यहाँ पे शूज़ काफ़ी स्टेबल मिलते हैं, जिसके कारण ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो गाइस, एट दी एंड हम बात कर लेते हैं शू के प्राइसिंग एंड वर्डिक्ट के बारे में। ये शू पड़ा था मुझे एक्जैक्टली 1300 रुपीज़ का, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वहाँ से शू को परचेस कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर हम वर्डिक्ट के बारे में बात करें तो ये शू मैं उन लोगों को सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा जिनको कम बजट में एक परफेक्ट रनिंग शू चाहिए। एंड नो डाउट इस शू में सभी जगह पर एकदम क्वालिटी वर्क करा गया। एंड मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये शू एकदम बेस्ट है सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप इस शू को ऐसा कैजुअल वेयर भी पहन सकते हैं अगर आप लोगों को यूज़ करना हो तो। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड कमेंट सेक्शन में बताइए आप सभी के थॉट इस शू से रिलेटेड। मिलते हैं आप सभी से अगली अनबॉक्सिंग में।